दोस्तों यही हो दुकान जिनसे मैं 640 मॉडल वाले मिनी राइस मिल मशीन खरीदे थे। इस दुकान में देख सकते हो राइस मिल दिख नहीं रहा है, बस एक राइस मिल दिख रहा है रखा हुआ। देख सकते हो सिंगल एक रखा हुआ है। पहले जब आया था 2-3 साल पहले तो बहुत सारे मशीनें थे इसमें, अब दिख नहीं रहा एक भी नहीं। दुकानदार डीलर से पूछे तो बोल रहा था कि ये जो मशीन है सेल बहुत कम होता है तो उनका सेल करना में थोड़ा कमी कर दी है, ऐसा बोल रहा था दुकानदार। दोस्तों ये मिनी राइस मिल मशीनों को शिकायतें बहुत आता है दोस्तों, शिकायतें बहुत से भाई लोगों चला भी पा नहीं रहा है। यानी शुरुआत में वो लोग छोड़ दे रहे हैं खरीद के, बस होता है 15-20 दिन महीना दिन और छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि ऑपरेट उस लोगों का आ नहीं रहा है। मेरे को लगता है ये चावल 640 मॉडल वाले के कुटा है चावल। दोस्तों ये जो राइस मिल है, ये दोनों में से 640 मॉडल वाले, ये वाले का जो जितने भी इनका सेटिंग वेटिंग फिटिंग वेटिंग जितने भी इसको होना चाहिए उतना हमको आता है दोस्तों, क्योंकि ये जब शुरुआत में मैंने भी ख़रीदा था तो मेरे भाई को ये इसको चलाने के लिए दिया था तो थोड़ा नहीं सका, तो ये यानी कुछ लोगों को भी चलवा कर देखे 15-20 दिन महीने दिन तो चला नहीं सके, और बाहर भी इधर उधर बाजू वाले गांव के लोग खरीदे वहां भी जाके पता किए तो वो लोग भी फेल हो गए। और ये दुकान में भी जिस दुकान से खरीदे ये दोनों मशीन वहां भी जाके देखे तो वहां भी देख रहे हैं मशीन जो दुकानदार है जो डीलर हो इन दोबारा लेके नहीं आ रहा, क्योंकि जितने भी वो लोग सेल किए थे वो सारे मशीनों का जो उनका जो रिव्यू था बहुत ख़राब आ रहा था, इसलिए वो लोग बाहर बाहर से कंपनियों से मशीनें नहीं मंगवा रहे हैं और सेल करना लगभग बंद ही कर दे रहे हैं। कुछ मशीनें बाकी है उन लोगों के पास तो वो लोग सेल करेंगे और हमेशा के लिए बंद करेंगे, ऐसा लग रहा है मुझको। दोस्तों मैंने तो 640 मॉडल वाले जो मिनी राइस मिल मशीन उसको तो बहुत चलाए हैं, लेकिन 600 मॉडल वाले को बहुत कम चलाए हैं। तो 600 मॉडल वालों के बारे में उतना तो हमको नहीं मालूम, लेकिन 640 मॉडल वाले जो राइस मिल मशीन है उनको पूरा मालूम है दोस्तों, क्योंकि उनका जो पार्ट होता है वो सारे पार्ट को मालूम है, तो मैं उसका जुगाड़ू भी यानी किसी न किसी तरह से चला ही लेता हूँ। तो अगर आप खरीदना चाहते हो इस तरह के मिनी राइस मिल मशीन, अगर 640 मॉडल खरीदना चाहते हो तो खरीदो और मेरे से जुड़े रहो, क्योंकि कुछ भी प्रॉब्लम आए तो मेरे को कांटेक्ट कर लेना कमेंट में, तो हम सुझाव दे सकता हूँ ए से जेड तक किसी भी तरह के 640 मॉडल वाले। आपको कुटाई करवा कर ही रहूँगा दोस्तों, क्योंकि हमको फुल मालूम है तो कैसे चलाना है फुल मालूम है तो कुटाई करवा कर ही रहूँगा। तो 640 मॉडल वाले को गारंटी ले लेता हूँ मैं, और 600 वाला को तो थोड़ा माथा पेची लगता है और हमारे तरफ वोल्टेज भी नहीं रहता है, तो थोड़ा बड़ा साइज का हो जाता है तो वोल्टेज पूर नहीं पाता है तो दिक्कत होता है, तो उसको उतना मालूम नहीं है और हमको थोड़ा माथा पेची लगता है। तो यही 640 मॉडल वाले खरीद के चलाओ, अरे कुटाई में उतना उतना फर्क नहीं है दोनों में। इनका जो स्पार पार्ट है वो अगर मेंटेनेंस बार बार करते रहोगे 640 मॉडल वाले को, यानी रिपेयर तुरंत तुरंत करते रहोगे रिपेयर, यानी उसका जो पार्ट जो ख़त्म हो जाता है उसको रिपेयर करते रहोगे तो जो कुटाई करने की जो कैपेसिटी है वो बरकरार रहता है, कम नहीं होता है दोस्तों, ऐसे सब के जैसे उधरे कुटाई होते रहेगा हर समय।